से कुछ चाहिए पर हम वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, सो शी इज़ वेरी हर्ट। और वो इतना रोई उसको देख के मैं बहुत हर्ट हुई क्योंकि मैंने मेरी छोटी बहन को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। छोड़ो ना अकुल, प्लीज। ऐसे क्या तुम हमसे कैसे भी बात कर सकती हो? तुम उस पर चिल्ला सकती हो, डांट सकती हो, गुस्सा कर सकती हो, चली तो इस हॉकी से मैं मार भी सकता हूँ, पर सबसे पहले ज़्यादा खुशी नहीं मिलती कि हम हमेशा इनकी मदद करते रहते हैं, हमेशा इनको सपोर्ट करते रहते हैं, बट स्टिल वी हैव मेड श्योर बिकॉज आप बचपन से साथ में बड़े हुए हो तो एक वो कनेक्शन भी होता है जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं। क्यों नाश्विती करते हैं ना, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, सबको एक जैसा बना दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। एक बात कहूं, तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सोचना नहीं पड़ता। तुम चाहो तो हर दिन एक बास्केटबॉल फाड़ सकते हो, हर हफ्ते एक फुटबॉल खराब कर सकते हो, कितनी क्रिकेट की बॉल्स घुमा सकते हो, तो खेलना चाहते हो खेल नहीं खेल सकते। उसने खुद तोड़ दी। क्यों? माँ के पास ऐसे नहीं उसे ट्रेनिंग में भेजने के, 40,000 चाहिए थे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते और सारे बच्चे का सपना टूट गया। पहले सबसे तो ये बताइए कि काफी इमोशनल एक बॉन्ड भी देख रहे हैं हम, आप रो रही हैं, नथिंग लाइक दैट वाज कमिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? सो माई यंगर सिस्टर, उसने हॉकी तोड़ दिया, बहुत नाराज़ हो गई है सबसे बिकॉज यू नो वो थोड़ी है ऐसी, वो मैच्योर नहीं है बच्ची ऑब्वियसली, तो बहुत ज़िद्दी है वो, उसे कुछ चाहिए पर हम वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, सो शी इज़ वेरी हर्ट। और वो इतना रोई उसको देख के मैं बहुत हर्ट हुई क्योंकि मैंने मेरी छोटी बहन को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। सो यार मैं उसकी हॉकी जोड़ रही हूँ टेप से एंड ही इज़ कमिंग एंड बताओ। हाँ तो बेसिकली अभी पता चला है कि कुछ प्रॉब्लम है इनके घर में एंड हमेशा चौधरी परिवार ने शर्मास की मदद की है, इवन दो मॉम को इस बात से ज़्यादा खुशी नहीं मिलती कि हम हमेशा इनकी मदद करते रहते हैं, हमेशा इनको सपोर्ट करते रहते हैं, बट स्टिल वी हैव मेड श्योर बिकॉज आप बचपन से साथ में बड़े हुए हो तो एक वो कनेक्शन भी होता है जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हो, तो कभी भी वो मुश्किल में हो तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारी लिमिट हो थोड़ा लिमिट के बाहर जाके भी उनकी मदद कर पाए। तो अभी रश्मि को रोते हुए देख के आई थिंक नकुल को अच्छा भी नहीं लग रहा कि वो रो रही है एंड वो उसे मदद करने की कोशिश करेगा अब। और ये प्रॉब्लम सिर्फ रश्मि की नहीं है, इनफैक्ट प्रिया अपसेट है, एक्चुअली तो प्रॉब्लम प्रिया की है, तो कहीं ना कहीं प्रिया के लिए भी काना बहुत क्लोज है प्रिया से बिकॉज प्रिया लुक्स अप टू काना लॉट, तो आई थिंक बोथ ऑफ देम नकुल एंड काना विल ट्राई टू फाइंड अ वे जिससे प्रिया की मदद हो। ओके